की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो सीएचएसएल, ये भी देखो 2020 का क्वेश्चन है, सारे 2020 या 2000 के आसपास के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, ध्यान देना एक बार। मैंने कहा जो हमारा इनकम होता है हमारा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि मैं आपसे ये कहूँगा, जैसे मान के चलो कि हमारी कमाई 20,000 रुपये, 15,000 रुपये मैंने खर्च कर लिए, बच कितने गए हमारे 5,000, मैं 15 और 5 को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, 20,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। अब आगे देखिए, अब इसने ये कहा भाई इनके वेतन यानी कि जो इनकम है, एक विपिन है और एक इसमें दिनेश है, ठीक है। अब इनकी जो इनकम है, इनकम कितनी है, इनकम इनकम है 5:8, ठीक है। मैं थोड़ा सा चलो ठीक है यही कर देते हैं, इनकम कितनी है 5:8 है, और इनका जो प्रत्येक के वेतन में 4,800 रुपये की वृद्धि होती है, प्रत्येक के वेतन में 4,800 की वृद्धि होती है, यानी कि इसके भी 4,800 बढ़ जाते हैं, इसके भी 4,800 रुपये बढ़ जाते हैं, तो अनुपात कितना आ जाता है, 7:10 आ जाता है। आप एक चीज देखिए जरा, आप यहाँ पे ये 7 है ये 10 है, वृद्धि कितने की हुई, 2 की, यहाँ कितनी हुई, 2 की। अगर अलग अलग होती तो हमें दिक्कत हो सकती थी, फिर तो मुझे कुछ और सोचना पड़ता, लेकिन जब वृद्धि जो इंक्रीमेंट दिया है, देखो जो इंक्रीमेंट दिया है वो 4,800 का है, यानी कि विपिन के भी 4,800 रुपये बढ़े हैं और जो दिनेश है उसके भी 4,800 रुपये बढ़ गए। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब दोनों की वृद्धि बराबर है और यहाँ रेशियो में भी यहाँ वृद्धि बराबर दिखा रहा है, तो फिर मुझे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मैं ये कहूँगा कि भाई वृद्धि होगी 2 यूनिट की, और 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4,800, 4,800, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2,400 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट 2,400 के बराबर हो जाएगा, विपिन का वेतन पूछा है तो मैं कहूँगा 24×5=120, ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ और बताऊँगा, यहाँ पे ये इतना काम हमने किया है, लेकिन क्या हम एग्जाम में जाके ये सब पेन चलाएंगे, भाई ये तो मुझे यहीं से समझ आ रहा है कि इसमें 2 की वृद्धि, यहाँ भी 2 की वृद्धि, 2 का वैल्यू हो गया 4,800, तो 1 का वैल्यू हो गया 2,400, तो 5 का वैल्यू हो गया 12,000। बात समझ पा रहे हो आप लोग, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में पेन नहीं चलाना, हम अगर पेन चलाएंगे तो हमारा टाइम जहाँ 10 सेकेंड हमारे लगने चाहिए वहाँ हमारे 20 सेकेंड लगेंगे। बात आ गई समझ में, और कंपटीशन में जो बच्चे 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि एक एक सेकंड का कंपटीशन में क्या वैल्यू है, ठीक है। अब मैं तो आपसे यही कहूंगा कि देखे खुद पे काम करे, और अगर कोई आपसे कहे कि भाई, कोई भी टीचर आपसे कहते हैं कि भाई हम तो आपको जो है 3 महीने में करा देंगे, 4 महीने में करा देंगे, ठीक है ट्रिको पे करा देंगे, तो भाई मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, वो सीधा सीधा आपका फ्यूचर खराब कर रहे हैं, ठीक है। और मेरी नज़रों में मैं तो ये कहूंगा कि भाई सफलता तो ऐसे नहीं मिलेगी, ठीक है, यूं ही नहीं मिलती सफलता, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। एक चिड़िया से जाके पूछो कैसे बनता है घोंसला, तो तिनका तिनका उठाना पड़ता है, क्लियर है। अब ध्यान दे एक बार, यहाँ पे मैंने कहा संख्या ए का 50%, वो ध्यान से समझना, सीएचएसएल ये भी 2020 का क्वेश्चन है, संख्या ए का 50%, अगर मैं देखूँ संख्या ए का 50% दूसरी संख्या बी में, बी में हमने संख्या ए का 50% जोड़ दिया, ए का 50% यानी कि 1/2, तो बी में 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि बी कितना हो जाएगा, 25 बढ़ गया, 25 का मतलब होता है 5/4 हो गया, ये बराबर हो गया। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो भाई ये आ जाएगा 2b+a/2 इज इक्वल टू आ जाएगा बी का 5/4। दिस इम्प्लाइज दैट 2 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 2×2=4b+ आ जाएगा 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 5b। यहाँ से अगर हम देखें 5b 4b को उधर ले जाते हैं, b का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 2a के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि a/b बराबर हो जाएगा, ए के साथ जो लिखा है वो बी का वैल्यू हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कि 1:2 मेरा आंसर हो जाएगा, 1:2। नहीं, कुछ गड़बड़ कर दी भाई हमने, कुछ गड़बड़ हो गई, देखते हैं कहाँ हो गई। ये 4b है, इसको उधर ले गए 2a बराबर ये हो गया, बी इज इक्वल टू हो गया हमारा 2a,
बी इज इक्वल टू हो गया 2a, तो आ जाएगा ए अपॉन बी, 1/2 ए अनुपात। पूछा क्या है यहाँ पे, तो संख्या ए और बी में अनुपात ज्ञात करें। देखिए इसमें 1:2 तो नहीं दिया गया है, तो इसलिए मैं ये कर सकता हूँ यहाँ पे, संख्या ए का 50% इसमें जोड़ दिया गया, संख्या ए का। हाँ ठीक है, ये क्रम थोड़ा सा गलत है भाई। ठीक है, मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे, आप इसको बी और ए लिख लो, बी और ए, क्योंकि हमारा आंसर यही होगा। क्लियर है? अब इस तरीके से भाई अगर हम यहाँ देखें तो इस तरीके से तो नहीं कर पाएंगे हम इस क्वेश्चन को, इस तरीके से तो एग्जाम में एक जरा सा क्वेश्चन है, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें जरा, एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब मैंने कहा भाई हमें बताना है बी और ए का अनुपात। अब एक चीज देखिए आप लोग बहुत ध्यान से, ए का मैं ये ए मान लेता हूं, ये बी, जब मैंने यहां पे बी ए लिख दिया तो मैं यहां भी कर देता हूं, ये बी है तो ये ए है, ये बी है तो ये ए है, ये बी है तो ये ए है। अब ए का 50% अगर मैं बी में जोड़ता हूं तो वो कितनी बढ़ जाएगी, 25% बढ़ जाएगी। अगर मैं ए का, देखो ए का 50% कितना हो जाता है, एक, अगर मैं उस एक को यहाँ जोड़ता हूँ, ठीक है, अगर मैं उस एक को यहाँ जोड़ता हूँ इसमें, तो भाई ये हो जाएगी 4, 4 और 3 पे अगर मैं एक बढ़ाता हूँ, देखो अगर मैं ए का 50% एक इसको दे दूँ तो ये एक बढ़ेगा 3 पे, तो कितनी बढ़ जाएगी, 33.33। ये मेरा आंसर नहीं है। अब यहाँ देखिए एक का आधा कितना हो जाएगा, 0.5, अगर मैं 0.5 बढ़ाता हूँ इसमें 2 पे, तो ये 25% हो जाएगा, बस इतना काम करना है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके आपके साथ आपके सामने, CHSL 2020, ये हिंदी में यहाँ लिखा नहीं था तो इसलिए मैंने हिंदी में लिख भी दिया, थोड़ा सोल्व भी कर दिया मैंने इसको। अब सोल्व कैसे करते हैं डिटेल में ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, मैं कहूंगा भाई जब मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है, तो मैं कहूंगा एक तीय पहले इस लाइन की गुणा करते हैं, पूरी इस पूरी लाइन की गुणा करते हैं, फिर एक अंक यहाँ का छोड़ देते हैं। देखिए मैंने कहा भाई 12 6 72 तीय कितना हो जाएगा, 216। फिर मैं कहूंगा ये देखो मेरा, जब मैं ए डिटेल में कर रहा हूँ तो पहले मेरा ए का रेशियो निकल गया यहाँ पे, और जब ए मेरा निकल गया तो यहाँ से ए को हटा देते हैं, इधर से दूसरे वाले अंक को हम पकड़ लेते हैं। मैं कहूंगा कि 2 3 6, 6 6 36 और 36 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 432 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं बी को हटा दूंगा, बी को हटा दूंगा तो यहाँ सी का वैल्यू देखूंगा, सी कितना आ जाएगा, देखो बी मैं निकाल चुका हूँ, जब बी मैं निकाल चुका हूँ तो 3 को मैं हटा दूंगा। फिर मैं कहूंगा 2 6 8, 8 6 48, 48 × 12। भाई मैं आपसे बस एक सीधी सी बात ये कहूंगा, इतना मल्टीप्लाइकेशन इतना मेरे बस की नहीं, इतनी कैलकुलेशन करनी। ठीक है, मैं इस तरीके से नहीं करूंगा, ये आप डिटेल में घर पे चेक कर लेना एक बार। ठीक है, ध्यान दें मैं सेकंड मेथड क्या बताता हूँ यहाँ पे, बहुत ही ध्यान से देखना भाई साहब। मैं कहूंगा ए और बी में क्या अनुपात है, 1:2 का है, गौर से सुनना, ए और बी में क्या अनुपात है, 1:2 का अनुपात है। इसका मतलब है कि जो बी है वो ए का दोगुना होना चाहिए। क्या बी यहाँ पे ए का दोगुना है, जी नहीं है। क्या बी यहाँ पे ए का दोगुना है, जी बिल्कुल है। क्या बी यहाँ पे ए का दोगुना है, जी नहीं है। क्या बी यहाँ पे ए का दोगुना है, हाँ जी यहाँ तो है। देखो देखो अभी मेरा आंसर नहीं आया पर मेरे दो ऑप्शन आ गए, बात को जरा समझना। अगर नहीं आए तो मैं एक बार इनमें भी देख लेता हूँ, बी अनुपात सी, इसका मतलब है बी और सी में क्या रेशियो होना चाहिए, 3:4 होना चाहिए, 3:4 होना चाहिए बी और सी में रेशियो। अब इसमें देखना जरा क्या ये रेशियो मेरा 3:4 है, भाई पहले तो 4 में 3 ही नहीं है, बात समझे कि नहीं। मैं यही देख के इसको काट दूंगा और ये आंसर मैं अपना मार्क कर दूंगा, क्योंकि यहाँ देखो आप इसको 2 से काटोगे तो 3 है, ये 4 है, ये मेरा आंसर आ गया। कितनों को बात समझ में आ रही है भाई आप लोगों को, क्लियर है बात यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो को दोबारा बैक करके रिप्ले करके आप उसको देख सकते हो, लेकिन बढ़िया से देखें एक बार, चेक करें ढंग से। ठीक है, आगे देखिए जरा भाई, यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है, देखो अंकों का योग कितना हो गया 4, इनका अंतर कितना हो गया 2, योग कैसा होना चाहिए 3 गुना, ये तो नहीं है, इनका योग 4, इनका अंतर ये तो सेम ही हो गया, ये भी नहीं है।
ठीक है जी। यदि दो संख्या को उनके अंतर्गत इनवर्स तो संख्याओं का अनुपात बताना है। इनका योग दो, इनका अंतर सॉरी योग तीन आएगा, तीन योग तीन, इनका अंतर एक, ये 3 गुना हो गया। ये मेरा आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, यदि ए एक्स रन बनाता है, ध्यान से देखिए, ए एक्स रन बनाता है, बी वाई रन बनाता है, मैं लिख देता हूँ ए बी सी, ये एक्स रन बनाता है, ये वाई बनाता है, ये जेड बनाता है। लेकिन उसने कहा यहाँ देखे एक्स अनुपात वाई, यानी कि एक्स अनुपात वाई, यहाँ एक्स होगा, ये एक्स होगा और ये होगा एक्स अनुपात वाई बराबर होगा वाई अनुपात जेड, ठीक है। यानी कि एक्स अनुपात वाई हमें दिया गया है 3:2 और वाई अनुपात जेड ये हमें दिया गया है, ये भी 3:2 है, ये भी 3:2 है। तो जी एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड ये आएगा 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, ये आ गया। चलो जी एक चीज ध्यान से देखिए अब आप लोग, 9 × 6 = 15, 4 कितना हो गया 19, 19 यूनिट का वैल्यू दिया गया है हमें, 342, 342 ये 19 यूनिट का वैल्यू है। आप एक चीज देखें, एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, भाई मैं 19 से इसको डिवाइड करने वाला हूँ, ठीक है, और मुझे चाहिए, ध्यान से देखना कि बाद का जब मैं देखूँ, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, मुझे निकालना है एक यूनिट का वैल्यू, तो मैं कहूँगा 342/19 आ जाएगा। तो सबसे पहली बात, जब मैं 19 की यहाँ किसी संख्या से गुणा करूँगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 आने का मतलब है कि 8 तो आएगा ही आएगा लास्ट में, क्योंकि देखो 19 यानी कि 9 × 72 बाद में ये तो आएगा ही आएगा। अब इस 2 को आप ऐसे हाथ रखें इस पर, आप ये देखें कि 34 19 से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 18 आ गया। अब अगर मैं देखता हूँ तो 18 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 162 देख लेते हो कहीं शुरुआत में है, जी हाँ बी में है, यानी कि बी मेरा आंसर आ गया, बी मेरा आंसर आ गया, ठीक है, बी मेरा आंसर आ गया। सवाल है SSC CGL Tier 2, यानी कि मेंस का क्वेश्चन है 2020 का, ठीक है। मैं इसका एक दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, एक दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, ध्यान से समझें। देखिए भैया सबसे पहले आप एक चीज देखो कि भाई इन्होंने जो तीनों ने रन बनाए हैं, तीनों ने अगर रन बनाए हैं वो कितने, 342 है, 342 है। अगर मैं इनको जोड़ के देखता हूँ तो मैं देखूंगा 6 × 4 = 10, 4 = 14, बाद का अंक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ 2 है, ये आंसर नहीं है। मैं देखूँ 8 × 2 = 10 = 12, कई बार ऐसा होता है कि इनका जोड़ कर लेते हैं तो जोड़ ही 342 नहीं होगा, बात आ गई समझ में। तो मैंने कहा भाई इसका तो है, यहाँ देखते हैं 0 0 0 ये तो है ही नहीं, यहाँ देखते हैं 6 × 4 = 10 = 19 ये भी नहीं है, ये आंसर हो गया, क्लियर है। अब एक चीज देखिए भैया, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा सपोर्ट करें और थोड़ा शेयर भी करें, थैंक यू वेरी मच।